वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है आई थिंक इंडिया में सभी के लिए। वर्ल्ड वाइड ये मूवी आई थिंक जैसा कि सोचा जा रहा है, जैसे कि रिलीज करने की कोशिश की जा रही, जिस तरह से प्रमोशंस चल रहे हैं, 650 करोड़ का जो कलेक्शन था, वाकई में नो डाउट कि ये एक बहुत छोटा कलेक्शन है, बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। जिस तरह से बाहुबली के नाम को रिप्रेजेंट किया गया था, और उस टाइम इस मूवी को देखने के लिए आई थिंक बहुत सारे लोग गए, और इंडिया की और आई थिंक देश की सभी जनता ने इस मूवी को देख के इतना बड़ा बनाया, जबकि वो एक बोले बोला जाए तो कोई मतलब कोई ऐसी कल्पना नहीं थी कि ऐसी भी मूवी आ सकती है। इसके बाद अब अजय देवगन ने ठानी कि तानाजी द अनसंग वॉरियर बनाते हैं। अब तानाजी द अनसंग वॉरियर को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से आई थिंक सबसे बड़ी एक अगर हम डाउट की और गलती की बात करें तो आई थिंक इस मूवी को तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, कई उड़िया, कई सारी लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हो जाना था, लेकिन इस मूवी को क्या बाद में रिलीज़ करेंगे अजय देवगन? क्या इस मूवी को अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ करके और भी कलेक्शंस कमाए जा सकते हैं? क्या अजय देवगन की ये मूवी 650 करोड़ के पार पहुंच सकती है? सब कुछ डिपेंड होगा, सबसे बड़ी बात है स्टोरी, क्योंकि नो डाउट कि इस मूवी को अवार्ड्स मिलने वाले हैं, और इस मूवी को सबसे बड़ी बात है स्टोरी। अगर आई थिंक पब्लिक को ये स्टोरी, जो कि फर्स्ट, सेकंड डे, थर्ड डे, आई थिंक जो फैंस हैं वो तो देखने मतलब भरपूर तरह से जाएंगे, और जब अगर स्टोरी लोगों को पसंद आई तो आई थिंक सब एक दूसरे की बातें सुन के जरूर इस मूवी को जाएंगे। जैसा कि बॉलीवुड उम्मीदें कर रहा है कि ये मूवी कुछ नहीं तो जैसे कि 150 करोड़ के बजट में ये बनी है, 180 करोड़ के बजट में आई थिंक बनी थी बाहुबली, तो उसने 650 करोड़ का कलेक्शन किया था जब हर भाषाओं में रिलीज़ हुई थी। और अब जब तानाजी द अनसंग वॉरियर को 150 करोड़ के बजट में, और आई थिंक इस मूवी को 3D में भी लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इस मूवी के सामने आई थिंक थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं कि कहीं कुछ कहीं कोई सामने मतलब और भी कुछ मूवीज रिलीज हो रही हैं, तो स्क्रीन्स कम हो जाती हैं, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। तो दिक्कतें बहुत हैं 650 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए, लेकिन उम्मीदें आई थिंक किसी की कम नहीं हुई है कि ये मूवी नो डाउट कि इतनी स्क्रीन समय भी एक बड़ा धमाल करके दिखाएगी। बहुत सारे लोगों की ये उम्मीदें हैं कि ये मूवी कुछ नहीं तो इतनी स्क्रीन में भी 400 करोड़ का आंकड़ा, 300 करोड़ तो नो डाउट कि सब उम्मीद कर ही रहे हैं, 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है, क्योंकि इस मूवी को 26 जनवरी तक खींचना होगा, और 26 जनवरी के बाद भी ये मूवी नो डाउट अजय देवगन की लंबे समय तक मूवीज जाती रहती हैं और लोग देखते ही रहते हैं। तो क्या होगा इस मूवी का, क्या 650 करोड़ का आंकड़ा अगर ये मूवी चाइना में भी रिलीज कर दी गई तो वर्ल्ड वाइड ये मूवी क्या वाकई में एक रिकॉर्ड बना के जाएगी? 10 जनवरी 2020 सबको याद है, और सबको नो डाउट कि आई थिंक ये कलेक्शन भी याद होगा बाहुबली का, और बाहुबली के लिए आई थिंक ये अजय देवगन ने भी ये बोला था, हम इस मूवी से किसी का कंपेयर ना करें, लेकिन कलेक्शन की बात करें तो वाकई में ये मूवी को पार करना चाहिए। और आई थिंक अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लोगों को भी शेयर करो, क्योंकि यार एक मतलब स्टोरी है जो आई थिंक सबको नज़र आनी चाहिए, और ये मूवी को सपोर्ट करो। और अगर लग रहा है आप लोग को कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ और आई थिंक ये मूवी इतना नहीं जा सकती, तो आप प्लीज़ कमेंट में भी बता सकते हैं कि ये मूवी कहाँ तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले जाएगी, क्योंकि आई थिंक ये मूवी कुछ नहीं तो 30-40 दिन तो चलेगी ही चलेगी, 30 दिन, 1 महीना तो, क्योंकि अजय देवगन की मूवी पकड़ के ही चलो। देखते हैं आने वाले टाइम में इस मूवी का क्या होता है। आप लोगों को भी अगर लग रहा है कि ये रिकॉर्ड टूट सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को लग रहा है कि इस मूवी की जिस तरह से प्रमोशन चल रहे हैं,
ये सारी चीज़ें देखकर मुझे तो लग रहा है कि ये मूवी वाकई में एक बड़ा कलेक्शन करके दिखाएगी। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो, और हमसे जुड़े रहने के लिए तो आप लोग को पता ही है, और शेयर करो क्योंकि आप लोग को पता ही कि हम आपके लिए अलग अलग डिफरेंट नए भी वीडियोज़ करते रहते हैं। हम चलते आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि ये बताना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी था कि ये मूवी 650 भी पार कर सकती है या नहीं, आपसे पूछना भी ज़रूरी था। और मैंने एक बार पूछा था, बहुत लोग हाँ में थे, लेकिन कुछ लोग 250 से 300 करोड़ में आ गए, 200 करोड़ में आ गए, कुछ लोग 150 करोड़ बोल रहे हैं, जबकि ये मूवी को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और पूरा बॉलीवुड सपोर्ट कर रहा है। तो प्लीज़ बी सपोर्ट और लगा दो आग, आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होता है इस मूवी का हाल। हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए कलेक्शंस भी, आप लोग को तो पता है हम क्या क्या आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। वॉच द ताना जी, मैं देखूंगा या नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ दिनों में। बाय बाय।